सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सौरभ चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक के एक नए एपिसोड में। चलिए दोस्तों, आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं जबरदस्त गर्मा गर्म टेक न्यूज से। यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है वो यहाँ पे सैमसंग को लेके आ रही है। थोड़ी देरों की बात है दोस्तों कि सैमसंग जो है मतलब कि आज 11 अगस्त को Z4 3, Z Flip 3 एंड Watch 4 जो ये तीनों की तीनों चीजें हैं वो सब कुछ यहाँ पे हमारे सामने बाहर आने वाले हैं कि हमें पता चल जाएगा इसके बारे में कि सब कुछ क्या क्या होगा। तो मैं इसके लिए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और साथ में दोस्तों आपको बताऊँ तो मैं इसकी जो अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके अनबॉक्सिंग वीडियो भी साथ में लेके आऊंगा। लेकिन आपको मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप इन तीनों में से किसी प्रोडक्ट के लिए एक्साइटेड है तो प्री बुक वगैरह यहां पे शुरू हो चुका है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाके आप चेकआउट वगैरह कर सकते हैं। और साथ में बात बताऊं तो आज मेरी तरफ से एक प्रॉपर कोशिश वगैरह रह रही है मेरी तरफ से। अगर आज मैं मतलब ये काम कर रहा हूं बेसिकली कि आपको इसकी जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह आपको देखने को मिले और जिसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारे जो आपके सवाल होंगे उनका मैं जवाब भी यहां पे दूंगा कमेंट बॉक्स में जो आप सवाल वगैरह पूछेंगे। तो कृपया करके आप जो है वो चैनल पे बने रहिए। आपको नोटिफिकेशन जो भी अगर आज होगा तो मैं आपको नोटिफिकेशन जल्दी यहाँ पे बता दूंगा नोटिफिकेशन के थ्रू कि ये जो है वो लाइव स्ट्रीम होने वाला है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं अनबॉक्सिंग भी चाहते हैं कि आपको अनबॉक्सिंग भी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप बोलेंगे तो मैं जरूर इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी लेके आऊंगा। यहाँ पे आज की सबसे बुरी खबर की बात करूं तो वो आ रही है यहाँ पे वन प्लस की। बात करो दोस्तों वन प्लस नोट 2 जहाँ पे ये दोबारा से ब्लास्ट हो गए। इससे पहले भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वन प्लस नोट जो 2 है वो जो अभी आपको पता है कुछ समय हुए हैं, ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन वो फोन यहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह हो गया था पहली बार जहाँ पे वो एक्सटर्नली यहाँ पे फोर्स की यहाँ से बताया गया था वन प्लस की तरफ से। और लेकिन अब भी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो फोन है फिर से ब्लास्ट वगैरह हो गया है, जहाँ पे किसी ने यहाँ पे ट्वीट वगैरह किया है जहाँ पे उसने सारी की सारी जानकारी वगैरह दी है कि उसके जो फादर है वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उन्होंने अपने जो है वो कई जगह पे गए थे और उनके बाद जो है वो वहाँ पे फोन वगैरह ब्लास्ट हो गया और उसके बाद से उनके जो फादर है हॉस्पिटल में ट्रॉमा में हैं। तो ये काफी यहाँ पे बहुत ही दुखद न्यूज है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे अचानक से ये हुआ है कि जो ट्विटर है ट्वीट जो किया है गया है उसको यहाँ पे जो बिल्कुल यहाँ हटा दिया गया है। तो अभी पता नहीं है ये सीन क्या है जहाँ पे ट्वीट वगैरह में पता चला था कि ये हुआ है। जैसे पहले हुआ था जब ट्विटर ने जिस बंदे ने ट्वीट वगैरह किया था उसका ट्वीट वगैरह हटा दिया, लेकिन अभी यहाँ पे पूरा का पूरा अकाउंट वगैरह जो है वो भी पूरा हटा दिया गया है। तो अभी यहाँ पे बात यहाँ पे ये है कि अभी ये पता नहीं क्या चल रहा है। तो अभी पता नहीं ये जो चीज यहाँ पे की गई है वो पता नहीं वन प्लस की तरफ से की गई है किसके तरफ से की गई, क्योंकि इसमें बात बताऊं तो दो तरफ से हम यहाँ पे देख सकते हैं। जहाँ पे बात बताऊं तो क्या पता वन प्लस ने अपनी इमेज को बचाने के लिए ये चीज की हो कि वहां से ट्वीट वगैरह हटा दिया, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो दूसरे ब्रांड्स होते हैं वो कभी कभी वो जैसे वन प्लस का आपको पता है वन प्लस नोट 2 जब पहला फोन फटा था तो उसके बाद कोई न्यूज वगैरह यहाँ पे लेके आएंगे जिससे ये पता चलेगा कि ऐसा हुआ तो लोग सोचेंगे पहले भी तो ब्लास्ट हुआ तो अभी ब्लास्ट हो गया। तो अभी दोस्तों मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि क्या सीन पूरा प्रॉपर चला हुआ है जब तक प्रॉपर यहाँ पे खुलासा नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही बुरी चीज है, अगर ये ब्लास्ट हुआ है सच में ब्लास्ट हुआ है, दूसरी बार अगर कोई ऐसे हादसा हुआ है तो बहुत ही बुरी बात है। और वन प्लस को अगर इसमें ध्यान देना चाहिए, अगर मेजर इशू है तो बहुत ही बुरी चीज है। और अगर यहाँ पे अगर कुछ चीज हो रहा है इशू तो देखना चाहिए प्रॉपर वन प्लस को कि इशू जो है वो किस वजह से यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि इससे तो वन प्लस की जो है वो इमेज तो बदनाम होंगे होंगे लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे इंसिडेंट भी हो सकते हैं। तो ऐसे में वन प्लस को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए और वन प्लस को यहाँ पे काम करना चाहिए कि ये चीज क्यों हो रही है, तो क्यों हो रही है, क्या चला हुआ है पूरा चक्कर, सीन क्या चला हुआ है, कोई गलत फेक न्यूज तो नहीं फैला रहा है, क्या हो रहा है वो, तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन आप दोस्तों इसके बारे में क्या बताएंगे बोलेंगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो आपकी सबसे पसंदीदा गेम बगमी को लेके आ रही है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। दोस्तों बात बताऊं तो क्राफ्टर ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया है, जहाँ पे बात बताऊं 3,36,000 अकाउंट से जो चीटिंग वगैरह कर रहे थे उनको यहाँ पे बैन वगैरह कर दिया गया है। मतलब कि जो अपने आप को बहुत ज्यादा हैवी ड्राइवर बन रहे थे, जो वो चीटिंग वगैरह कर रहे थे, सोच रहे थे हम ये कर लेंगे, ये स्कीम बना रहे थे, उन सभी की जो आईडी वगैरह वो बैन कर दी गई है। और इसमें जो 3,36,000 अकाउंट जो है यहाँ पे बैन कर दिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे न्यूज वगैरह ये निकल के आ रही थी कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि जो हैकर्स हैं वो चीट वगैरह कर रहे थे। तो अभी ऐसे में अगर आपके पास ये यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन है, क्योंकि
कोई आपको ऐसा देखने को मिलता है तो आप उसकी रिपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद उस जो हैवी ड्राइवर यहाँ पे बना हुआ है उसकी बाय बाय टाटा हो जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ पे बात बताऊँ तो काफी यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। तो बेसिकली और साथ साथ में बात बताऊँ 48 मिलियन उनके डाउनलोड भी हो चुके हैं। जो यहाँ पे बात कर रहे थे यहाँ पे सर पे जो रिवॉर्ड्स की, वो भी मिल चुका है। 49 पे मिलेंगे और 50 मिलियन पे जो हमें एक यहाँ पे एक न्यू ड्रेसअप हमें देखने को मिलेगा। और साथ साथ में बात बताऊँ तो क्राफ्टर ने यहाँ पे iOS को भी काफी ज्यादा यहाँ पे टीज वगैरह कर रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि iOS भी हम जो iOS में वालों में जो भी हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों आप मुझे ये बताएं कि अभी बेसिकली आप कितना ज्यादा बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। अगर इंतजार कर रहे हैं तो उतना ज्यादा लाइक यहाँ पे करके बताएं ताकि पता चल पा रहा जाए कि आप अगर इसका इंतजार कर रहे हैं तो कब से कर रहे हैं और कितना ज्यादा यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। और बात करूं बेसिकली तो यहाँ पे अच्छी अच्छी न्यूजें आ रही हैं। तो अभी लेट्स सी, देखते हैं क्या रहती है पूरी कहानी और ये चीज हमें कब तक देखने को मिलती है iOS वालों के लिए। यहाँ पे जो लिखा निकल के आ रही है वो यहाँ पे मोटो को लेके आ रही है। बात करो दोस्तों मोटो मोटो ने यहाँ पे जो है वो कमाल कर दिया है। मोटो ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी खुशखबरी दी है जहाँ पे मोटरोला यानी कि जो है अपना न्यू स्मार्टफोन यहाँ पे लॉन्च करने वाला 17 अगस्त को इंडिया के अंदर जो मोटो एज सीरीज उनकी आ रही है। इसमें हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। दो फोन उनके बेसिकली होंगे, काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बातें रहेंगी। जिसमें मैं बात कर रहा हूँ तो मोटो S20 Pro की तो बात नहीं हुई है लेकिन मोटो S20 और 20 Fusion जो है वो आ रहे हैं। जहाँ पे अगर बात करो तो जो मोटो S20 है वो 5G फोन रहेगा जो कि सबसे स्लिम यहाँ पे फोन रहेगा। 6.9 mm की थिकनेस के साथ आएगा जो कि काफी यहाँ पे कमाल की बात है। और साथ ही साथ बात बताऊँ तो इसमें हमें 576 Hz की यहाँ पे जो है वो इन डिस्प्ले जो है वो टच रिस्पॉन्स रेट मिलेगा जो भी काफी कमाल का है। जहाँ पे अगर बात करूँ Poco F3 GT में जो है 480 Hz का मिला था, इसमें 576 का मिलेगा। तो काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात रहेगी। अभी लैर से देखते हैं अपने साथ और क्या क्या ये फीचर लेके आता है और आगे क्या रहती है पूरी कहानी, वो तो हमें आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। यहाँ पे जो लिखा निकल के आ रही है यहाँ पे सैमसंग को लेके आ रही है। जहाँ पे बात बताऊँ दोस्तों Samsung Galaxy S21 Fan Edition बेसिकली ये जो फोन है वो यहाँ पे लीक हो चुका है। जहाँ पे उन्होंने अचानक जल्दी गलती से उनसे बैग से निकल गया और फोटो वगैरह यहाँ पे बाहर निकल के आ गए, कुछ यहाँ पे ट्वीट वगैरह भी हो गया। उसके बाद जो है वो यहाँ पे उन्होंने डिलीट वगैरह कर दिया। लेकिन इससे पता चल रहा है कि Samsung Galaxy S21 Fan Edition जो है वो हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। डिलीट तो कर दिया लेकिन इसे थोड़ा बहुत इशारा तो मिल चुका है कि Samsung Galaxy S21 Fan Edition हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और इसमें जो ये बताया जा रहा है कि Snapdragon 870 वाला चिपसेट होगा। तो अभी Samsung Z सीरीज में तो काम करेंगे ही करेंगे आज। बाकी S21 Fan Edition भी आ रहे हैं तो उसका भी हमें बहुत सभी से इंतजार है। आने वाले समय में हमें इसके बारे में पता चल जाएगा कि ये कब तक आएगा, लेकिन ये भी काफी यहाँ पे एक्साइटेड फोन होने वाला है। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो यहाँ पे जियो को लेके आ रही है। बात करता हूँ तो जियो आजकल में बात करूँ सच में यहाँ पे जी रहा है। जहाँ पे जियो लाइव जो है वो फिर से यहाँ पे फोन जो है वो BIC इंडिया की जो BIC लिस्ट है उस पे यहाँ पे दर्ज हो चुका है, जिससे ये पता चल रहा है कि फोन हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। लेकिन बात यहाँ पे दोस्तों ये भी है कि इनके फोन पता नहीं कितनी बार हमने जो है वो शो होते हुए देखे कि BIS पे आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं और अभी तक एक भी फोन नहीं आया। 10 अगले महीने की अगर बात करूँ 10 सितंबर की तो उनका एक फोन आ रहा है जियो फोन नेक्स्ट, क्या बता उसके बाद कोई और धमाल हमें देखने को मिले। अभी लेट्स सी देखते हैं कि सबसे पहले तो इंतजार रहेगा जियो फोन नेक्स्ट में, उसमें हमें क्या कमाल देखने को मिलता है, किस तरह का ये फोन रहता है, क्या रहती है पूरी कहानी, वो तो अगले महीने की 10 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन उसके बाद करूँ और एक्साइटेड वगैरह अगर और भी कुछ मुझे न्यूज वगैरह मिलेंगी तो मैं आपको जरूर अपडेट कर ही दूंगा। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो यहाँ पे फ्लिपकार्ट और अमेजोन को लेकर आ रही है। बाय द वे दोस्तों बात करूँ इंडिया के अंदर तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन फिर से यहाँ पे मुश्किल में फंस चुके हैं। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्लिपकार्ट और अमेजोन तो उन्होंने अभी क्या किया है, बेसिकली जो सुप्रीम पावर है वहां पे वो चले गए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे अपील वगैरह यहाँ पे रिजेक्ट कर दी। तो मतलब उन्होंने बोला कि जो भी यहाँ पे गिर रहा है जो एंटी ट्रस्ट का यहाँ पे इशू वगैरह चला हुआ था, जो CCI ने यहाँ पे बातें की थी वो हम बिल्कुल मतलब वो उससे सहमत है और जो भी अपील वगैरह अमेजोन फ्लिपकार्ट ने की थी कि जान हमारी कहीं ना कहीं वहां पे बच जाए तो वो बिल्कुल यहाँ पे जो है वो अपील वगैरह बिल्कुल रिजेक्ट कर दी गई है। तो अभी ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी हम कर रहे हैं वो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं और ऐसे में अगर हमें पेनल्टी डालनी पड़ेगी बैन करना पड़ेगा तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे में अभी बात यहाँ पे ये है कि अभी पता नहीं जो यहाँ पे जो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है इसकी वजह से जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो किस तरह से यहाँ पे आगे जाने वाली है, वो तो क्या
पता, लेकिन काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी लेट्स सी देखते हैं, मतलब इससे क्या पता जो फ्यूचर है वो कहाँ, जो हमें अभी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे थे, अभी क्या पता उसमें क्या देखने को मिलेगा, तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। अभी लेट्स सी देखते हैं क्या रहती है पूरी कहानी। यहाँ पे जो लिखा निकल के आ रही है वो यहाँ पे टिकटॉक को लेके आ रही है। बात करूँ तो दोस्तों टिकटॉक, तो टिकटॉक ने यहाँ पे फेसबुक को यहाँ पे सरप्राइजली यहाँ पे पीछे छोड़ दिया है। मतलब की बात बताऊँ तो अब तक का सबसे ज्यादा डाउनलोड, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डाउनलोडेबल जो है वो ऐप बन चुका है अगर 2020 की यहाँ पे रिपोर्ट की माने तो। मतलब कि काफी यहाँ पे डाउनलोड से जो हुए हैं वो टिकटॉक है। तो टिकटॉक आप समझ सकते हैं कि इंडिया में बैन है, उसके बावजूद भी इतना यहाँ पे काम कमाल कर रहा है। तो मतलब अब क्या ही बताएं दोस्तों, टिकटॉक यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे काम कर रहा है। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पे जो लिखा निकल के आ रही है वो यहाँ पे गूगल को लेके आ रही है। बात करो दोस्तों गूगल, तो गूगल की जो टाइटन की है यहाँ पे उसको लेके दोस्तों यहाँ पे अगर बात बताऊं तो NFC का यहाँ पे साथ में लॉन्च कर दिया गया है, जहाँ पे काफी यहाँ पे अच्छा सही सीन चला हुआ है। मतलब कि अलग अलग आपको यहाँ पे जो है वो आपकी सिक्योरिटी को और भी ज्यादा यहाँ पे जो है वो मतलब कि स्टोर करती है, जहाँ पे टाइप सी का भी सपोर्ट मिलता है और टाइप ए जो है वो पहले वाला वो भी आपको सपोर्ट मिलता है। तो मतलब अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप एक्चुअली में इसका यूज वगैरह कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने अकाउंट को और भी ज्यादा सिक्योर प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। तो काफी यहाँ पे यूजफुल चीज है, अगर आप इस तरह की कोई सिक्योरिटी डिवाइस लेना चाहते हैं तो ये भी काफी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, काफी यहाँ पे सही चीज है। यहाँ पे जो लिखो निकल के आ रही है वो यहाँ पे सैमसंग को लेकर आ रही है। बात कर दोस्तों सैमसंग, तो सैमसंग ने अभी यहाँ पे और काम शुरू कर दिया है। बेसिकली बात करूं सैमसंग ने यहाँ पे न्यू पेटेंट यहाँ पे लेके आ चुके हैं, जहाँ पे बात बताऊं तो न्यू पेटेंट पे काम कर रहा है। बेसिकली बात बताऊं तो मूवेबल यहाँ पे कैमरा की बातें की जा रही है, जहाँ पे वेरिएबल अपर्चर एंड एपी व्यू, आई मीन जो कैमरा है वो यहाँ पे मूवेबल रहेगा। तो काफी यहाँ पे यूनिक कॉन्सेप्ट है और काफी यहाँ पे चीजें रहेंगी जहाँ पे जो कैमरा का जो है वो प्रॉपर यहाँ पे मूवेबल रहेगा, जिसके ऊपर आपकी जो फोटो वगैरह खींचेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो ये काफी यहाँ पे यूनिक प्लान्स हैं सैमसंग के। अभी लेट्स ही देखते हैं कि रियलिटी में जो ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है, जो पेटेंट है, वो कब तक यहाँ पे जो है रियलिटी में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो लिखा निकल के आ रही है वो यहाँ पे रियलमी को लेके आ रही है। बात करो दोस्तों रियलमी बुक या फिर रियलमी लैपटॉप, इसके जो है ऑफिशियली यहाँ पे जो है वो लॉन्च डेट यहाँ पे बाहर निकल के आ चुकी है, जहाँ पे चाइना के अंदर 18 अगस्त को ये फोन लॉन्च हो रहा है। उसके बाद बताऊं तो यहाँ पे रियलमी GT मास्टर एडिशन की बातें हो रही है, तो वो भी हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बात बताऊं तो काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेगा जो रियलमी का जो है लैपटॉप आने वाला है। बाकी लेट्स सी क्या रहती है पूरी कहानी। लेकिन नॉट श्योर यहाँ पे टाइप सी चार्जर वगैरह भी इसके थोड़े बहुत पता चल चुके, टाइप सी चार्जर वगैरह होगा, काफी सारी अच्छी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। और अभी लेट्स सी देखते हैं, अगर मैं सबसे ज्यादा इसमें एक्साइटेड ये भी रहूंगा कि अगर विंडो 11 भी इसमें बताई जा रही है कि विंडो 11 का भी सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, अगर मिलेगा तो काफी अच्छा रहेगा। और 40,000 इसकी प्राइस अभी बताई जा रही है, लेकिन आई एम नॉट श्योर दोस्तों जब चाइना में लॉन्च होगा उसके बाद ही मैं प्रॉपर रूप से आपको बता पाऊंगा एक्चुअली में इसकी प्राइस क्या रहने वाली है। यहाँ पे जो लिखा निकल के आ रही है वो यहाँ पे वीवो को लेके आ रही है, जहाँ पे बात बताऊं तो वीवो ने यहाँ पे टीज कर दिया है iQOO 8 Pro का जो है यहाँ पे पावरफुल कैमरा। जहाँ पे अभी बात बताऊं तो यहाँ पे कैमरे के बारे में बातें की जा रही है, जहाँ पे उन्होंने काफी जो है कुछ सैंपल्स वगैरह भी यहाँ पे शेयर किए हैं। बेसिकली अगर मैं बात बताऊं तो इसमें बताया जा रहा है कि 50 MP का प्राइमरी कैमरा होगा और 48 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा हमें देखने को मिलेगा। तो बात यहाँ पे यही है कि iQOO वाले बता रहे हैं कि iQOO 8 जो है ये हमारे काफी यहाँ पे मेहनत से बनाया है, काफी यहाँ पे इसमें समय लगा बनाने में और काफी ये अब तक का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन होने वाला है। तो अभी लेट्स सी देखते हैं जो कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो iQOO इस बार क्या कमाल करता है और iQOO 8 Pro जो है वो कैमरा के हिसाब से जो हमें इंडिया में ये फोन जो है iQOO 8 Pro हमें कब तक देखने को मिलता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ निकल के आ रही है वो है Honor Magic 3 को लेकर। बेसिकली बात बताऊं तो अभी इन्होंने अनाउंसमेंट वगैरह कर दी है, जहाँ पे इन्होंने पार्टनरशिप की है iMac के साथ में, जहाँ पे सर्कुलर यहाँ पे कैमरा डिजाइन होगा, मतलब कि iLED यहाँ पे होगा और पता नहीं बल्कि बिल्कुल गोल होगा, जहाँ पे सर्कुलर डिजाइन होगा, जहाँ पे बहुत सारे कैमरे चिपके होंगे, पेंटा कैमरा की बात हो रही है। तो मतलब अभी बात यहाँ पे ये है कि पता नहीं कितने आगे कैमरे यहाँ पे चिपकाएंगे, लेकिन बात यहाँ पे यही है कि दो दो वो जो दो दो वाले मेगापिक्सल वाले वो कैमरा चिपकाने का तो कोई फायदा नहीं है। अगर कोई अच्छा कैमरा होता तब तो रहेंगी पूरी कहानी आगे देखेंगे। बाकी लेट्स सी जब देखते हैं Honor Magic 3 जो अब आएगा ये फोन तो किस तरह का फोन रहेगा और किस तरह का ये जो है वो कैमरा इसका रहेगा वो तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। और आगे ये पता देखते हैं कि ये जो कैमरा का जो चक्कर चला हुआ है, पहले 1, 2, 3, 4 अभी यहाँ पे 5 तक पहुंच चुके हैं, आगे कहाँ तक जाता है। यहाँ पे आज का फैक्ट है कि आपको पता है दोस्तों अगर प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो जो आजकल बहुत ज्यादा यहाँ पे फेमस है, पॉपुलर है, तो इसका जो आविष्कार है वो इंडिया में हुआ था, भारत में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बस आज की टेक्नोलॉजी यहाँ पर ही खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होगी। अगर आपका कोई वीडियो अगर आप
आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, और अगर कोई आपको सुझाव देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय।